भारत न्यूज 24 और गर्दनी में धरना स्थल आशा ममता और कौशलेंद्र जी से बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, पहले यह दृश्य देखिए, यह महिलाओं का दृश्य देखिए। आशाओं लोग यहाँ धरना पे बैठी हैं, सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपनी मांगों के लिए यह धरना पे बैठे हैं। अब यहाँ कौशलेंद्र जी से बात करेंगे कि क्या आपकी मांगे हैं। हाँ, आज 14 सूत्री मांग को लेकर, आशा ममता वैक्सीन कोरियर के सवाल को लेकर, हम जय तेजस्वी और नीतीश कुमार के सामने हम धरना के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं। पिछले बार कई राउंड सरकार से बातचीत हुई, लेकिन सरकार इनों के मांगों पर ध्यान नहीं दिया। घोषणा पत्र में वादा किए थे आशा ममता और वैक्सीन कोरियर को सरकारी करेंगे, 3 महीना बीत जाने के बाद अभी तक सरकार ने अमल किया है। हम सीधे आज मांग करते हैं कि आशा कोरियर ममता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, 1.5 लाख जो बहाली होने जा रहा है उसमें स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर को समायोजन करे, आशा का जो 45 लाख अश्विनी पोर्टल को जो बंद कर दिया है और कागज के जांच के नाम पर जो छटनी किया जा रहा है इसको रोक लगाए। पूरे बिहार के विषयम पैसा जो है आशा से खुलम खुला ले रहा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे वैक्सीन कोरियर और आशा ममता अफसरशाही के मार से उसका कमर टूट गई है, जो अफसरशाही नीतीश कुमार का है। तो हमने जो आपको हमने डिमांड कॉपी दे दिए हैं, महत्वपूर्ण मांग यही है कि आशा कोरियर ममता को पूरा किया जाए, विचार करें। अगर नहीं विचार किया तो तेजस्वी के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। पुनः कहते हैं कि स्वास्थ्य वैक्सीन कोरियर आशा ममता को सीधे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और स्थानीय जो मुद्दा है वो जिला पत्रकारी के द्वारा हल होगा, और विषय पत्रकारी को जो है अंकुश लगाए, अफसर साहब को नहीं चले, इसकी जाँच करें। ये हमारे वैक्सीन कोरियर आशा का कई मेहनत पैसा मिला और तेजस्वी की सरकार बनना हो गया ऐसे उम्मीद किए थे, लेकिन उसने भी हमारे मांग पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए 14 सूत्री मांग पर सरकार ध्यान दे, उस सरकार के सामने धरना के माध्यम से हम कहने के लिए हैं, अगर नहीं माना तो हम आगे बढ़ेंगे। सीधा यहाँ पे देखिए, इनका एक ही कहना है कि धरना पे किस तरह से महिलाओं लोग बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर के, यह सीधा सीधा कह रहे हैं क्या कि घोषणा पत्र के अनुसार इनका वादा को पूरा नहीं किया गया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पे विशाल धरना प्रदर्शन होगा। खबरों के साथ बने रहिए, कुमार हसन, भारत न्यूज 24। सभी लोग बैठ जाए, अभी अभी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर निकल रहा है, सिर्फ आप लोग बैठ जाइए। से इस दायित्व का निर्वाह करते हुए मजदूर पक्षी सरकार के गठन के लिए आगे बढ़ने का काम करेगा।